आज हम प्लान देखेंगे 24 फीट बाई 80 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 24 फीट का है और जो ब्रेथ है वो 80 फीट का है। तो बेसिकली ये प्लान में आपको तीन साइड से प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। तो ये जो हमारा फ्रंट साइड से आपको ये ओपन है तो वेंटिलेशन मिल जाएगा, और यहाँ राइट साइड से आपको वेंटिलेशन मिलेगा, और यहाँ बैक साइड से वेंटिलेशन मिलेगा, और बाकी जो हमारा यहाँ लेफ्ट साइड है ये क्लोज आएगा, ये साइड घर आएंगे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइज, अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो बेसिकली जो हमारा ये प्लॉट साइज है वो 12x40 का हम चार प्लॉट लेंगे, तो ये 24x80 का प्लॉट आपका बन जाएगा। तो 12x40 का आगे दो प्लॉट हो जाएगा और पीछे दो प्लॉट हो जाएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है 24 फीट के साइड से, तो एंटर करते यहाँ पे हमारा ये पार्किंग एरिया आता है। ये बड़ा सा हमारा ये पार्किंग का एरिया है। इसका जो साइज है वो 11 फीट 10 इंच इंटू 31 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट 10 इंच का है, और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 31 फीट 6 इंच का है। तो बेसिकली पार्किंग के अंदर आप दो कार आराम से पार्क कर सकते हैं, और साइड में आप यहाँ पे दो से तीन बाइक आराम से पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के सामने ये डोर दिया है 3 फीट का। इससे हम अंदर जाएंगे गेस्ट रूम के अंदर। गेस्ट रूम का जो साइज है वो 11 फीट 6 इंच इंटू 15 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट 6 इंच का है, और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 15 फीट 6 इंच का है। गेस्ट रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए दो खिड़की दी है। एक खिड़की हमारी यहाँ पे है और एक खिड़की हमारी यहाँ पे। ये खिड़की हमारी फ्रंट साइड खुलेगी तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिलेगा, और ये खिड़की हमारी यहाँ राइट साइड में खुलेगी तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा। और गेस्ट रूम के अंदर हमने प्रोवाइड किया है WC प्लस बाथ एरिया, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। तो ये 2 फीट 6 इंच के डोर से हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 3 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दी है। इससे हम बाहर आए तो पार्किंग के यहाँ सीधा हमारा ये डोर दिया है 4 फीट का। इसे हम अंदर जाएंगे हॉल के अंदर। हॉल का जो साइज है वो 11 फीट 6 इंच इंटू 15 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट 6 इंच का है, और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 15 फीट 6 इंच का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए दो खिड़की दी है। एक खिड़की हमारी यहाँ पे और एक खिड़की हमारी यहाँ पे। ये खिड़की हमारी फ्रंट साइड में ओपन होगी और ये खिड़की हमारी यहाँ राइट साइड में खुलेगी। तो बेसिकली आप यहाँ फ्रंट साइड में 4 फीट की विंडो लगा सकते हैं, और यहाँ राइट साइड में 6 फीट की विंडो लगा सकते हैं। हॉल के बाजू में हम इस तरफ आए तो हॉल के बाजू में इस तरफ हमारा ये डाइनिंग एरिया दिया है, यानी आप यहाँ पे एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल आराम से लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। तो इसका जो साइज है वो 11 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट 6 इंच का है, और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 11 फीट का है। डाइनिंग एरिया के बाजू में इस तरफ हमारा ये बेडरूम दिया है। तो 3 फीट के डोर से हम अंदर जाएंगे बेडरूम के अंदर। बेडरूम का जो साइज है वो 11 फीट 6 इंच इंटू 15 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट 6 इंच का है, और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 15 फीट 6 इंच का है। बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। तो अब हम इसे आगे जाए तो डाइनिंग एरिया के इस तरफ हमारा सामने आप देख सकते हैं हमारा ये रास्ता, इसके आगे हमारा ये किचन एरिया आता है। किचन का जो साइज है वो 11 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 11 फीट 6 इंच का है, और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 11 फीट का है।
किचन के बाजू में हमने यहाँ पे ये 2 feet 6 inch का डोर दिया है, तो हमने यहाँ पे ये प्रोवाइड किया स्टोर रूम एरिया, तो किचन के बाजू में हमने प्रोवाइड किया है, तो भी अगर जो भी आपको अनाज यहाँ पे स्टोर करना है तो आप यहाँ से प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं। इसका जो साइज है वो 7 feet into 4 feet का है। किचन के बाजू में आप किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है, तो ये विंडो हमारा यहाँ वॉश एरिया में खुलेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा किचन के अंदर। तो बेसिकली जो हमारा ग्राउंड फ्लोर में ये वॉश एरिया रहेगा, और हम इसे OTS बोलेंगे क्योंकि ये ऊपर तक ओपन रहेगा, तो इसी से आपको वेंटिलेशन मिलेगा किचन के अंदर। तो जो ये हमारा ऊपर तक ओपन रहेगा तो OTS यानी ओपन टू स्काई एरिया होता है, और हम इसे ग्राउंड फ्लोर में यूज करने वाले हैं वॉश एरिया की तरह। तो ये सामने डोर दिया है 2 feet 6 inch का, इससे हम अंदर जाएंगे वॉश एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 8 feet into 4 feet का है। इसके बाजू में हमारा ये 3 feet का डोर दिया है, इससे हम अंदर जाएंगे बेडरूम के अंदर। बेडरूम का जो साइज है वो 11 feet 6 inch into 16 feet का है, यानी यहां से यहां तक लेंथ हमारा 11 feet 6 inch का है, और यहां से यहां तक ब्रेथ हमारा 16 फीट का है। इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दी है, तो ये खिड़की हमारी यहाँ बैक साइड में खुलेगी, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। और जो इसका वेट है वो 16 फीट का है, इसलिए हमने यहाँ पे एक और विंडो खिड़की प्रोवाइड की है, तो ये खिड़की हमारी यहाँ वॉश एरिया में खुलेगी, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। इसके बाजू में हम जाए तो इस तरफ हमारा ये 3 feet का डोर दिया है, इसे हम अंदर जाएंगे मास्टर बेडरूम के अंदर। इसका जो साइज है वो 11 feet 6 inch into 16 feet का है, तो बेसिकली हमारा सेम साइज है इसका, पर इसके अंदर हमने अटैच किया है WC प्लस बाथ एरिया, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। तो आप देख सकते हैं ये 2 feet 6 inch के दरवाजे से हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 7 feet 8 inch into 4 feet का है। तो इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दी है, और ये मास्टर बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़की दी है। एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि यहाँ लेफ्ट राइट साइड में खुलेगी, और एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि बैक साइड में खुलेगी। इससे हम बाहर आए तो ये सामने हमारा ये पैसेज आता है, पैसेज के अंदर हमारा ये दरवाजा दिया है 2 feet 6 inch का, इससे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। तो ये बेसिकली हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम एरिया है, तो जो पूरे घर वाले से यूज कर सकते हैं। तो इसका जो साइज है वो 7 feet 8 inch into 6 feet 6 inch का है, यानी यहां से यहां तक लेंथ हमारा 7 feet 8 inch का है, और यहां से यहां तक ब्रेथ हमारा 6 feet 6 inch का है। तो जो हमारी आगे सीढ़ियां आती है उसके नीचे की जगह हम यूज करने वाले हैं WC प्लस बाथ एरिया के अंदर, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया के अंदर। तो आपको बड़ी सी स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दी है, तो आपको यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। इससे हम बाहर आए तो पैसेज एरिया के इस तरफ हमारा ये स्टेयर्स दी है सीढ़ियां ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहां से चढ़ेंगे और यहां से टर्न होके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो बेसिकली ये जो स्टेयर्स हमारी है बिल्कुल बीच में है, तो आप हॉल से आराम से जा सकते हैं, किचन से आप यहाँ से जा सकते हैं, डाइनिंग रूम से जा सकते हैं, या बेडरूम से आप प्रॉपरली आराम से जा सकते हैं। तो गाइज हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज अभी मैंने 2D प्लान बनाया है, इसके बाद में इसका 3D प्लान वाला वीडियो कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वीडियो का। गाइस ये जो मैंने प्लान बनाया है, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।